दोस्तों ये 205 गाड़ी है और अभी बंद बंद हो गई है, चालू नहीं हो रही है, तो देखते हैं इसमें क्या फॉल्ट है। तो इसका स्टार्टर मार रहे हैं, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, तो अभी करंट चेक करना पड़ेगा। नहीं, अब इसको करंट नहीं आ रहा है गाड़ी को, तो करंट नहीं आने की वजह से इसमें देखना है कि भाई प्रॉब्लम क्या है गाड़ी में। तो दोस्तों से क्या करने का, ये जो सॉकेट आता है, बीच वाले सॉकेट में 3 वायरें होती हैं। ये देखो, एक वायर कट हो गई इसकी साइड की। अब इधर के सॉकेट में 3 वायर होते हैं। ये तीनों वायर जो है, ये इनलेट के है, एक इसमें जो करंट, इससे करंट आता है। ये वायर देख रहे हैं आप, जो शॉर्ट हो रही वायर, इससे करंट जो है, इस वायर से करंट इंजन की तरफ आता है। और जो बाकी की जो 2 वायरें हैं, ये बाटली कॉइल को टच होती है। इधर बाटली कॉइल बताओ, ये जो बाटली कॉइल है, इसको टच होती है, इससे करंट गाड़ी को जाता है। तो अपना करंट यहाँ तक आ रहा है, तो प्रॉब्लम वायरिंग में नहीं है, प्रॉब्लम है सीडा कॉइल में। तब हम क्या करेंगे, इसकी जो सीडा कॉइल है, इसको चेक करेंगे, चेक कर देखेंगे कि भाई दूसरी सीडा कॉइल बटा कर इसको करंट आता है क्या और गाड़ी स्टार्ट होती है क्या। ये बहुत आसान तरीका है करंट चेक करने का, जो हमारे रिक्शा वाले भाई हैं उनको हमने आसानी से बताया कि भाई करंट कैसे चेक करें। क्यों, ये जो बैटरी की जो गाड़ी होती है, इसको मैग्नेट करंट नहीं होता, डायरेक्ट बैटरी से करंट होता है। तो सीढ़ा तो शॉर्ट हो गई, सीढ़ा को तो हमने अभी चेक किया। ये सीढ़ा जो है अपनी पुरानी वाली सीढ़ा है, जो अभी हमने निकाली है, ये सीढ़ा निकाली। अब एक दूसरे गाड़ी की सीढ़िया हमारे पास है जो पुरानी है, हम इसको बटा कर देखेंगे। तो करंट चेक करने के लिए आपको मैं बताया, और एक बार बताता हूँ, ध्यान दें इधर। ये जो वाइट वाला जो सॉकेट आता है, इसमें 3 वायरें होती हैं। ये है सफ़ेद लाल, और ये ब्राउन कलर में आती है, और एक ब्लैक आती है। ब्लैक है आर्थिंग की, ये है करंट की, और ये जो है इनलेट करंट है, यानी यहाँ से करंट सीडा कॉइल में जाएगा। हाँ, ये वायर से जो करंट है सीडा में जाता है, इस वायर से करंट सीडा में जाएगा। ये सीडा में जाने के बाद ये करंट जो है फिर वहाँ से बाटली कॉइल से होते हुए आ रहा है कि गाड़ी स्टार्ट करेगा। तो हमारी वायरिंग ठीक है, वहाँ पे करंट आ रहा है ना, हमारी वायरिंग ओके है, वायरिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम देखते हैं कि भाई दूसरी सीढ़ियाँ बटा कर कि भाई गाड़ी में करंट आता है और गाड़ी स्टार्ट होती है क्या। अगर स्टार्ट हो गई तो समझने का भाई गाड़ी में जो प्रॉब्लम था, सीढ़ा कॉइल को प्रॉब्लम था। ये जो दूसरे कॉइल के वायर है, इसको मैं बाद में बता दूंगा कि क्या है डिटेल्स के बारे में। इसको भी एक टुकड़ा लगा के जोड़ देते हैं। बाद में हम इसको सॉल्डर करके, इसको निकाल के सॉल्डर मारेंगे, सॉल्डर मार के इसको फिट कर देंगे। वीडियो लंबी हो जाएंगे करते बैठेंगे तो। अभी इसको उसे बटा दिया, ये वायर को छील लिया, छील कर इसको इधर ग्रीन वायर को मार देंगे, पेच मार देंगे वायर को। ये दोस्तों हमारे ये चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अपने जितने भी रिक्शा वाले भाई लोग हैं सब में शेयर करें कि भाई छोटे सी प्रॉब्लम रहती है, और टेक्निकल के वाले पास जाएंगे तो वो एक वायर जोड़ेगा, 202 502 करेगा उसके लिए, और देख ले कहीं रास्ते में अटक नहीं जाना है। फिर वो उसकी रोजी उसके दिमाग का पैसा लेता है।
मगर रास्ते में जाके अटकना नहीं है, प्रॉब्लम में नहीं आना है, इसके लिए ये सिस्टम हमने बनाया है। पकड़ इसको, अब करंट आ गया, गाड़ी स्टार्ट हो जाएंगी, प्रॉब्लम नहीं होगा इसको। तो सभी हमने पुरानी सीढ़ियाँ बता दी, गाड़ी को फिटिंग कर दिया इसको भी करंट को। तो ये गाड़ी स्टार्ट हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं था, छोटा सा प्रॉब्लम था, मगर ये अगर आप टेक्निकल लाइन से जाएंगे तो ये प्रॉब्लम आसानी से हल कर सकते हैं। टेक्निकल तरीके से जाएंगे तो ये करंट का जो प्रॉब्लम है बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अगर टेक्निकल लाइन से नहीं जाएंगे तो पहले बड़ी प्रॉब्लम हो जाएंगी। तो इसके लिए पहले आपने बताया कि भाई वायरों को याद रखे, कि जो वाइट वाली वायर आती है, देखो अभी इधर इधर हमने वायर जोड़ी है, पुरानी गाड़ी होने की वजह से इसके जो वायरिंग है थोड़ी कटी उटी है इधर उधर से, तो हमने उसको इधर उधर से जॉइंट बहुत मारे है इसको। पुरानी गाड़ी अब 200-500 गाड़ी पुरानी है, 7-8 साल पुरानी गाड़ी है। तो दोस्तों चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।